निमकी मुखिया सीरियल में डुमरी वाली चाची का किरदार निभा रही अभिनेत्री रीना रानी कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। बिहार की रहने वाली अभिनेत्री रीना ने साल 2014 में महाराजगंज लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। रीना रानी हाल ही में भोजपुरी फिल्म संघर्ष में भी माँ का किरदार निभाती नजर आई। तो आइए जानते हैं खेसारी लाल की रील माँ यानी रीना रानी की जुबानी उन्हें की सफलता की कहानी। फिल्म पत्रकार अनुप नारायण सिंह के साथ उनकी एक खास बातचीत पर डाली एक नजर। सबसे पहले तो प्रणाम कर लिया अपने दर्शक लोग। अनुभव तो बहुत सुखद और बहुत मीठा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि एक्टिंग के जरिए मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, माया नगरी तक। तो वो सब बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप का, भगवान का, और अपनी मेहनत, जिद, जुनून। एक मेरे अंदर एक है वो जिद है कि मुझे ये करना है तो करना है, तो वो जुनून और जिद मुझे वहाँ तक पहुँचाया, और वो जो पहुँचाया वो आप दर्शकों के सामने। जो कि वो गांवों से जुड़ा हुआ पटना है, रंगमंच कहीं नहीं, एक बाद भोजपुरी सिनेमा में भी नजर आई नहीं, फिर नहीं रू पहला पर्दा बा, छोटा पर्दा बा, काफी कठिन दौर से गुजरते हुए रौरा वहां तक पहुंचनी, आज वो स्टारडम बनल बा, केकरा के पूरा श्रेय देवे के चाहे? श्रेय हम अपना सबसे पहले तो माँ बाप के देव, भाई बहन के देव, हमें अपना सब, और उसका बाद शादी के बाद वो सबसे जो प्यारा चीज होला एक औरत कहती होकर बच्चा। आज के डेट में हमारा बेटा जो सबसे ज्यादा हमारा के सहयोग कर ला हर चीज में, माँ तुम ये करो, माँ तुम ये करो, माँ तुम वैसे मत सोचो, वैसे मत, तो ये में सहयोग हमारा बेटा के भी, चूंकि हम एकदम बराबरी में हमारे बेटा आगे हुआ। लेकिन शुरुआत जो भाई माँ पापा, हमारे माँ पापा हमेशा से रहे कि हमारे बच्चा जी में खुश हमें हम खुश, तो हमने के कबो ये एहसास ही ना कि हमने के चार गो बहन बनी से बेटा से भी बढ़ के प्यार दुलार मान सम्मान आज़ादी मिलल हमने के, कि अपना इच्छा के जो तारा इच्छा हो गए तुम तो पूरा करो। तो वही चीज़ हमने के जो बीज पड़ल, तो वही बीज हमने के लेके थावे में बचपन गुजरल, पटना में पढ़ाई लिखाई थिएटर भइल, और जौन पर्दा पर कहीं ना कहीं बेटी के आगे बढ़ावे वाला रहेला, और आम आदमी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहेला, खासकर भोजपुरी इलाका के कहीं ना कहीं महक में रहेला। तो रीना रानी रील रियल में का एक बारी की अलग अलग सबसे पहले तो हम ये बताएंगे हमने के शुरू से गांव से बहुत जुड़ रहा बनी सन, अपना घर से तो जुड़ले बनी और गांव के सारा लोग से जुड़ रहा, तो ऐसे क्या होला कि एगो हमारा एक्टिंग में एगो बेनिफिट ये हो जाला कि कोई भी कैरेक्टर मिल रहा तो ध्यान आवेला जी अच्छा भाभी के देख लिया उठत बैठत, एगो गाँव में जो काम करे वाले भी वो ऐसे बोले ऐसे चले, तो वो सब हमने के एक्टिंग में ऐड हो जाला, ऐड ऑन हो जाला, एक फायदा तो भाई कर। और जोन कहला है कि कैसे मतलब में रजबस जाला, तो रजबस ऐसे जाला जे अपना मिट्टी से जुड़ल रहे, अपना जमीन से जुड़ल रहे, वो कहीं भी रही ना तो ओकर महक ओमे आइए जाए। तो तू तो देखते हो डुमरी वाली चाची में कि वो डुमरी वाली चाची जोन मटक के चले ली या जब मुँह बिचकावे ली तो उनका कहने की लोगबे ना करेला, तो वे हाल मुकाम मिल गया के बाद रीना रानी शुरुआती दौर में रही आ वर्तमान जन दौर पर कितना अंतर आ गेल बा आम जन जीवन में, हमरा रहन सहन आ लोग से मिलन जुलन ना हमरा में कोनो फर्क ना ना ना, ना हम जेंगर रानी तेंगर नाजोवानी जो जेकरा से रिश्ता हमर जोन 20 साल पहले रहे आज भी वही रिश्ता बा, हम वही के जी मैंने रीना रानी में कोनो बदलाव कोनो बदलाव ना भाई, तू हमरे घर आइबो चलिए एगो चलो चलो तो अंतिम सवाल लेना सब घर तो बॉम्बे भी आइबो तो हम नीचे ही बैठ के तारा के खियाए हमरा साथ ही तू कहबो कोनो बनावटी बनावा लगे अपन बटे। अच्छा एगो सवाल के रोडा महाराजगंज से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़नी, काफी लोग रोडा के सपोर्ट भी कइलक काफी कम समय में, आवे वाला लोकसभा विधानसभा चुनाव फिर लोग आशा करो कि लोग नजर आए, आशा तब करो जब उन लागे कि केहू ईमानदार आदमी चाहिए हमारा समाज खातिर काम करे वाला, हमनी के दुख सुने वाला, तो अगर वो चाहे बुलाई तो जरूर जाएगा हम, लेकिन हम खुद से भाई हमारा सोचे के पड़ी क्या कि आज के दौर में जो चुनाव बा पैसा के चुनाव बा, जेकर लगे पैसा बा बाहुबल बा उहे चुनाव लड़ता, तो हमनी के तो भाई साधारण आदमी, तो अगर समाज चाहिए सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।